सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनम एंड वेलकम टू आवर चैनल सनम फोटोज़। तो आज की हमारी वीडियो माइक्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड होने वाली है एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे ढेर सारे पैसे बचा सकती है। अगर आपके पास भी एक DSLR कैमरा है एंड आपने कभी ट्राई किया होगा माइक्रो पिक्चर्स क्लिक करने का विथ योर किट लेंस, तो मे बी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले हों जितने कि आपको एक माइक्रो लेंस यूज़ करने पर मिलते। माइक्रो लेंस के प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं जो हर किसी के बजट में नहीं आ सकते, मेरे भी। तो मैंने कैसे अपने 1855 लेंस को एक माइक्रो लेंस में कन्वर्ट किया यूजिंग अ रिवर्स रिंग एडाप्टर जो कि 300 रुपीज़ के आसपास में आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये रिवर्स रिंग होता क्या है। तो ये रिवर्सिंग अडाप्टर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवाया था। उस टाइम पे मेरे को ये शायद सेल चल रही थी तो 300 के आसपास में पड़ गया था, बट इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, लाइक 370 या 90 के आसपास है कुछ। तो अगर आप परचेज कर सकते हो इतने में तो ले लो, वरना आप सेल का वेट कर सकते हो। तो ये होता है एक माइक्रो रिवर्सिंग अडाप्टर जिसका यूज़ करके हम अपने किट लेंस को एक माइक्रो लेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स फंक्शन, तो अब बात करते हैं हम इसके यूज़ का कि बेसिकली ये करता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको अपने किट लेंस के सामने पे लगा के अपने कैमरे के साथ में लेंस को उल्टा माउंट कर सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये वही लेंस है जिसको हम यूज़ करके बचपन में आग लगाया करते थे और ख़ुद को आइंस्टीन समझा करते थे। तो इससे क्या होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें क्लियरली एंड थोड़ी साइज़ में बड़ी दिखने लगती हैं। लेंसेज, तो अगर हम बात करें लेंसेज की तो मोस्टली बिगनर्स के मन में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि उन्हें 50mm लेंस का यूज़ करना चाहिए 1855 किट लेंस का। एंड मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि 50mm लेंस उनके पास अगर नहीं होगा तो वो रिवर्सिंग से अच्छे पिक्चर्स क्लिक ही नहीं कर पाएंगे। एंड बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें 50mm लेंस का यूज़ करना चाहिए, बट मे बी किसी के पास 50mm नहीं भी हो सकता है। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप 50mm लेंस का यूज़ करो या किसी के पास नहीं हो तो वो खरीद दे जाके, क्योंकि 50mm जो होता है वो एक फिक्स्ड फोकल लेंथ का लेंस होता है। अगर उसकी जगह आप 1855mm लेंस का यूज़ करोगे तो 18mm फोकल लेंथ का यूज़ करके आप सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा सकते हो, जिसे आप एक्सट्रीम लेवल की माइक्रो फोटोग्राफी भी कर पाओगे जो कि आपको 50mm लेंस में देखने को नहीं मिलेगी। आप चिंता मत करो, मैं 1855 लेंस का यूज़ करके माइक्रो फोटोग्राफी की एक पूरी सीरीज़ बना देंगे जिसमें आपको लो लाइट कंडीशन एंड लाइट का, आप एक्सटर्नल लाइट का यूज़ करके कैसे पिक्चर्स क्लिक करो एंड अदर पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। साइज़ एंड माउंट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं एंड गलत साइज़ या गलत माउंट का रिवर्सिंग ऑर्डर कर लेते हैं। फिर प्रोडक्ट के रिव्यू में जाके लिखते हैं कि ये फेक प्रोडक्ट है, डोंट बाय दिस, ये वो, और जो कि अदर बायर्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि हमें इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये गलत साइज़ एंड माउंट का रिवर्सिंग आपके कैमरे को भी ज़्यादा हार्म कर सकता है। सो प्लीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना। तो हमारे रिवर्सिंग में बेसिकली टू साइड्स होती हैं, एक जो हमारे लेंस के साथ में अटैच होता है और दूसरा जो हम कैमरे के माउंट में अटैच करते हैं। हम देख लेते हैं कि अपने लेंस और कैमरे के लिए हम सही साइज़ और सही माउंट का रिवर्सिंग कैसे पता करें। बात करें अगर हम लेंस वाली साइड का तो ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपको किस साइज़ का रिवर्सिंग खरीदना है। मेरा ये निकॉन का किट लेंस है, मे बी आपका दूसरे ब्रांड का हो सकता है। तो जब आप अपने लेंस को सेफ्टी कैप को हटाओगे तो देखोगे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, इसको बोलते हैं फिल्टर साइज़। तो इसको आपको याद रखना है एंड ये डिसाइड करेगा आपका रिवर्सिंग किस साइज़ का होने वाला है। अगर आपका कोई डिफरेंट ब्रांड का लेंस होगा तो आपको डिफरेंट नंबर शो होगा। एंड अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। अगर मुझे अगर सर्च करना होता तो मैं जस्ट अपने लेंस का मॉडल एंड ब्रांड का नाम डालता, लाइक निकॉन 1855mm AFP लेंस, एंड अगर मुझे सर्च करना है इसका फ़िल्टर साइज़ तो मैंने जस्ट सर्च किया एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मुझे फ़िल्टर साइज़ पता चल गया है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि अगर आप एक निकॉन यूज़र हो एंड आप यूज़ कर रहे हो 1855mm AF-S वर्जन वाला, तो आपकी जागने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर आप मेरा फ़िल्टर साइज़ अगर अपने लिए भी अप्लाई करने वाले हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि जो पुराने वाले जो लेंसेज हैं उनका फ़िल्टर साइज़ 52mm होता है। एंड अगर हम बात करें नए वाले AFP वाले लेंसेज का तो उनका फ़िल्टर साइज़ 55mm होता है। एंड मोस्टली नए पुराने सभी लेंसेज में उनके ब्रांड एंड मॉडल का नंबर प्रिंट होता है, तो आप उधर से जाके चेक कर सकते हो।
एंड ये जो रिवर्सिंग की दूसरी वाली साइड है, ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस माउंट का रिवर्सिंग परचेज करना है। माउंट बेसिकली आपका जिस ब्रांड का कैमरा होगा उसका माउंट होगा। लाइक मेरा निकॉन का है तो मेरा निकॉन माउंट होगा। अब हमें दोनों साइज़ का पता चल चुका है, एक जो हमारे लेंस के साथ में अटैच होगी यानी लेंस का फिल्टर साइज़ 55mm एंड दूसरा माउंट, मेरा निकॉन का कैमरा है तो मेरे लिए निकॉन का माउंट होगा, अगर आपका किसी और ब्रांड का कैमरा है तो आपका उस ब्रांड का माउंट होगा। अब हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है और फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे जाके सर्च करना है। अब मेरा निकॉन माउंट है तो मैं निकॉन माउंट का रिवर्सिंग सर्च करूँगा, अगर आपका अदर ब्रांड का कैमरा है तो आप उस ब्रांड का रिवर्सिंग सर्च करना। अब माउंट के बाद हमें लेंस के लिए परफेक्ट फिल्टर साइज़ का एक रिवर्सिंग देखना है। तो जैसा कि आप अपने सामने ये तीन रिजल्ट देख पा रहे हो, तो जब फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो इसमें देखता हूँ कि जो फिल्टर साइज़ है वो 58mm है, जो कि मेरे लेंस के लिए परफेक्ट नहीं है। एंड जब मैं दूसरे वाले को देखता हूँ तो इसका 52mm है, जो कि AF-S वाले वर्जन के लिए परफेक्ट है। एंड जब मैं तीसरे वाले रिजल्ट को सर्च करता हूँ तो इसमें देखता हूँ कि जो फिल्टर साइज़ है वो 55mm है, जो मेरे लेंस एंड कैमरा माउंट के लिए परफेक्ट है। तो ऐसे ही आप भी अपने लेंस एंड कैमरा के लिए एक परफेक्ट साइज़ एंड माउंट का रिवर्सिंग ऑर्डर कर सकते हो। प्रोसेस टू अटैच, ऑर्डर करने के बाद अब आपका रिवर्सिंग डिलीवर हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम अपने लेंस और कैमरे के साथ कैसे अटैच करेंगे। तो रिवर्सिंग को लेंस के साथ अटैच करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको अपने लेंस को लेना है और रिवर्सिंग को उसके सामने रोल करके फिट कर देना है। और ये जो कम डायामीटर वाला साइड है इसको अपने कैमरे के साथ अटैच करेंगे हम। जैसे हमारे लेंस को वाइट डॉट के साथ मिला के अटैच करते हैं, वैसे इसमें भी एक रेड डॉट दिया होता है, तो उसको आप अपने कैमरे वाले डॉट से मिला के अटैच कर सकते हो। एंड जब आपका लेंस कैमरे के साथ में अटैच हो जाएगा तो एक क्लिक का साउंड आएगा, बट एक बार आप मेक श्योर कर लेना कि सही से लग गया वो लेंस। पता चले आपको कैमरा उठाओ और चरणों में आ गिरे लेंस तो दिक्कत हो जाएगी फिर। और देखते ही देखते हमारा माइक्रो लेंस तैयार हो चुका है, तो आइए एक डेमो देख लेते हैं। एक जगह से मैं ये कटिंग ला के हिबिस्कस की लगाई थी गमले में, तो उसको मैं चेक ही कर रहा था तो मेरे को तभी एक छोटा सा स्पाइडर दिखता है, तो मैं भाग के जाता हूँ जल्दी से, कैमरा लाता हूँ, उसमें रिवर्सिंग अटैच करके जल्दी से शूट करने लगता हूँ। अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये मेरे DSLR कैमरे से है रिवर्सिंग के साथ में, तो अभी मैं जो ये शूट कर रहा हूँ वो 55mm पे शूट कर रहा हूँ, बट जैसे मैं फोकल लेंथ कम करता हूँ टू 18mm, आप देख सकते हो ये इसका साइज़ जो है स्पाइडर का काफ़ी बड़ा होने लगा है। एंड 18mm फोकल लेंथ का यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा छोटी चीज़ों की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। लाइक आप देख रहे हो ये स्पाइडर जो है उसका साइज़ लगभग एक मटर के दाने जितना है, एंड मैं उसकी पिक्चर्स आराम से क्लिक कर सकता हूँ। तो आइए हम लोग कुछ सैंपल्स देख लेते हैं जो मैंने 1855 किट लेंस का एंड रिवर्सिंग के हेल्प से क्लिक किए हैं। एंड कमेंट्स में आप बताना आपको कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं इसके लिए एक परफेक्ट सेटिंग्स की एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे ताकि आप सब बेटर पिक्चर्स क्लिक कर सको, और ये भी बताएंगे कि आप फ्लैश का यूज़ करके कैसे माइक्रो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। एंड अगली वीडियो में माइक्रो के बेसिक्स पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सेटिंग्स बता भी दिया एंड आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, एकदम फ्री है। एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्दी से मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड फिर मिलेंगे हम ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।